क्या वाकया हुआ? आपको सुना है कि यहाँ पे सीआईए के एहलकार आए, आपको गिरफ्तार करके ले गए। मैं सामान अपना समेट रहा था, तीन चार एहलकार आए, तीन गाड़ी, दो की दो डाले थे, एक दूसरी गाड़ी मुझे आया बेटे आदमी, तुमने ये रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। गाड़ी जो तस्वीर आ रही है तो गाड़ी तो उनकी आपके जैसी है, गलती से ले गए। सवाल जवाब भी तो कर दिए, नाम क्या तुम्हारा, क्या कर दिए, गिरफ्त किया है। मैंने कहा जी तस्वीर लगाने का नाम परेशान, बच्चे मेरे परेशान, घर में वो इधर खेता है, मेरे दोस्त परेशान, खानों में जा रहे हैं, जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कल अमीर बालाज कत्ल केस के हवाले से हर रोज एक नई डेवलपमेंट हो रही है, और आज जो सीआईए की जानिब से कुछ साफी अफराद को वो चीजें बताई गई, और एक तस्वीर जो टीवी के ऊपर चल रही है, सीसीटीवी कैमरे की वो तस्वीर है, एक बुजुर्ग जो 50-55 साल का, उसको देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जावेद भट्ट के कातिलों ने उसका मेन किरदार है, उसने आगे आगे रक्षा लगाया और उसके बाद जो है वो फायरिंग कर दी। और आज खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि इस्लामपुरा संत नगर के इलाके का रहने वाला वो बंदा है जिसको पुलिस पकड़ के ले गई थी। तो मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये कृष्ण नगर बाजार है, और मेरे साथ जिस बुजुर्ग को आप देख रहे हैं, इनसे अभी इनका सारा तारुफ भी करवाते हैं। इनकी शक्ल को जो है वो समझा जा रहा था कि ये वो शख्स है जो शूटर है मौके का, इसने जावेद भट्ट को निशाना बनाया, और उसके बाद यहाँ पे सीआईए के एहलकार आते हैं इकबाल टाउन के, इनको गिरफ्तार करके भी ले जाते हैं, उसके बाद सारा क्या वाकया होता है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? तस्लीम रजा। तस्लीम रजा साहब, क्या वाकया हुआ? आपको सुना है कि यहाँ पे सीआईए के एहलकार आए, आपको गिरफ्तार करके ले गए, और उसके बाद क्या हुआ? सारा जो तस्वीर आ रही है वो दाढ़ी तो उनकी आपके जैसी ही है, तो क्या बात थी, वो कौन, वो गलती से ले गए? जी जी, शक के बिना। अच्छा, क्या हुआ? क्या आप यहाँ पे रोटी का कारोबार करते हैं? रेडी है, मेरी रोटी की लगाता हूँ, जैसे कोई 22-23 साल हो गए इधर ही लगाते हुए। अच्छा, इसी बाजार में, इसी जगह पे, पहले मैं टैंके आ गया था, फिर इधर लगा, ठीक है। वो परसों की बात है, असर बढ़ के आया, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हमने काम जाना है कहीं, वो अभी मस्जिद में थे, मैं बाहर आ गया जल्दी के सामान संभाल के ना, तो चले चले गए, चलते हैं। उसके बाद मैं सामान अपना समेट रहा था, तो तीन चार एहलकार आए, तीन गाड़ियों थी, दो की दो डाले थे, एक दूसरी गाड़ी, उन्होंने मुझे उठाया ऐसे, इधर से पकड़ा, इधर से दो ने, एक ने हाथकड़ी लगाने की कोशिश की, मगर उसने इशारा कर दिया हाथकड़ी नहीं लगाई। अच्छा, तो ले गए मुझे, मुझे तो पहले होश नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, आंखों के आगे अंधेरा आ गया। एमयू का जब पहुंचा हूँ मैं, मुझे पता चला कि मैं, जब मैं चबूली पहुंचा ना, मैंने आपको अपने आप को देखा, यार कहीं सच्चे आदमी, तुमने ये कुछ नहीं, तो रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो गया, बैठ गया। वो सवाल जवाब शुरू कर दिए, नाम क्या तुम्हारा, क्या कर दिए, उर्फ क्या है। मैंने कहा जी तस्लीम रजा मेरा नाम है, पूरे मुझे तू रजा कहता है, मौलवी कहता है, ठीक है। इसलिए मैं पीछे हजीरा पर कर रहा हूँ, उधर क्या था, मैं उधर मुझे क्षमा देते थे, शहर में रहते थे, मैं जी शहर में पताशियाँ मारी, ठीक है। लेकिन जब अंदर पहुँचना सी आई ने, तो वो दो आदमी आए, मुझे बाहर खड़ा किया, उन्होंने सारा लाया कि ये नहीं है, पर फिर भी वो अंदर कमरे में लेके गए आदमी ने, वो मोबाइल निकाला, हाँ क्या नाम है, ऐसे ही वही सवाल पूछे, मैंने वही जवाब दिए, इसे ऊपर ले गए, ऊपर जाके उन्होंने मुझे बिठाया, ऐसे मैं कह दूं बदतमीजी कोई नहीं की उन्होंने मेरे साथ, तू गाली तो पीछ करते रहे, आपसे पूछते रहे चीजें करते रहे, और तो पीछ क्या जावेद भट्ट के वाले से पूछते रहे। हाँ, ऐसे ही कि तुम्हारा बट ये है नाम तुम्हारा, नाम मेरा नाम भी, मैंने उन्हें ये भी कहा कि भाई मेरा नाम बट के साथ, मेरा भी दोस्त भी बट नहीं है, ठीक है, मैं बट गाऊँ जी, मैंने कहा जी मैं कटे गई हूँ, वो कहता है जी वो कटे गई तो बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा, खैर सवाल करते रहे करते रहे, मोबाइल दे, मैं मोबाइल रखते हैं, पता है सारा सब, तो मैं मोबाइल रखते हैं, शनाती कार्ड मैंने भी एक्सपायर हुआ है, तो मैं ना वो नया बनने के लिए। अच्छा, ये घर का नंबर, मैं अपने घर का नंबर दिया, घर का नंबर मेरी बीवी का नाम था, उन्होंने उधर से सारा डेटा निकाला, ऐसे ऐसे
निकाल के फिर खामोश हो जाए उसके बाद उधर ही मैं बैठा रहा था। 6 बज गए, वो जो मुझे उठा के लेके थे ना बस वो तो बाहर चले गए। उससे पहले उन्होंने मेरे साथ सवाल किया भाई तुम्हारी दोस्ती किसकी हो रहा है। मैंने कहा जी मेरे इतने दोस्त नहीं हैं, इधर मैं 11-12 बजे आता हूँ, असर के बाद मैं घर चला जाता हूँ, सोते सोते भैया सुबह की तैयारी की, रात को इधर आ गए, फिर पूरे घंटा 1.5 घंटा बैठा दोस्तों के साथ। 25 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? इधर ही मैंने कर रहा। अच्छा वो कौन से अफसरान थे, कोई आपको नाम तो पता लगा ही होगा कि आपको कौन यहाँ से गिरफ्तार करके लेके गए थे? यार वो भट्ट साहब ही कह रहे थे, अहमद भट्ट होगा या अहमद भट्ट नाम है, वो ये सी है कि वो इंचार्ज होंगे जाहिर होते, मुझे तो इतना ही पता। आपसे जावेद भट्ट के केस के बारे में तफ्तीश करते रहे? नहीं मुझे जावेद भट्ट नहीं, वो बस यही कह रहे थे उसके साथ क्या ताल्लुक है मुझे नहीं पता, वो भट्ट साहब के वो तो बाद में क्या पूछ रहे थे, कैसर भट्ट से क्या ताल्लुक है? नहीं ये नहीं पूछ रहे थे, मुझे कह रहे थे जनाब आप वो भट्ट हो, तो मुझे ज़हन में नहीं आ रहा था कि कौन भट्ट है। मैंने कहा मेरा तो भट्ट कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो मजदूर आदमी हूं। वो बात बोल रख रहे थे मेरे सामने, वादा नहीं किया। खैर दोस्तों के नाम बताए मैंने, ये काम करता है, ये काम करता है, 4 दोस्त हैं ठीक है, वो ये खड़े हैं ठीक है, इधर बहरहाल वो बाइक चले गए, पता नहीं कहाँ घंटे के बाद में उनका कोई अंदर असिस्टेंट होगा। मैं कहा ये वो बाबा जी का क्या करना है, फोन करके पूछा, वो बाबा जी छोड़ दे। 7:30 बजे थे, 5 बजे मुझे उठाया, 5:30 शाम को आपको गिरफ्तार करके लेके जाते हैं और 7:30 बजे आपको छोड़ देते हैं तफ्तीश करके। आपने वो देखी होगी वो शूटर की तस्वीर आ रही है, उसके ऊपर एक बुजुर्ग है, दाढ़ी है। तो मैंने बाद में देखी ना आगे, तो मुझे किसी ने बताया यार इस मसले में आपको सर्कल उठा के लेके उस छुपे में लेके गए होंगे। तो मैंने जब तस्वीर देखी मैं यार वाकई ये तो मिट्टी टूटी है पूरी, मगर ये है कि ये हमारी सीआई है यार, पाकिस्तान है सीआई है, इनको पता होना चाहिए कि यार कौन सही है कौन गलत है, ये कैसी सी है, ये गलत बंदे को उठा के देखे जा काम है, डेली का काम है, इनको पता होना चाहिए, और इनको पता भी था कि गलत बंदे को उठा रहे अगर ले गए। जब आपके पास यहाँ पहुँचते हैं आपके स्पॉट पे आपकी रेडी के ऊपर, सबसे पहली बात आपसे क्या की जाती है? बात कुछ भी नहीं की उन्होंने, दो आदमी इधर चले अच्छा अंदर गड्डी, साथ ही गाड़ी खड़ी की थी उन्होंने, तो गाड़ी में बढ़ा दिया। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा यार मैं पता ही नहीं मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपने ध्यान से लगा हुआ था, तो एकदम हुआ देखो ना आ जाए कोई। उस वक्त जब मैंने हाथ घड़ी देखी ना फिर मुझे पता चला कि पुलिस वाले हैं। हाथ घड़ी तो नहीं लगाई आपने? नहीं मतलब सलूक आपके साथ अच्छा ही किया? अच्छा किया, ये नहीं मैं कह रहा कि खिलाया पिलाया, जो खा रहे थे मुझे भी खिलाया उन्होंने, मगर कोई बर्तनी भी नहीं की, होए तो कोई गाड़ी नहीं काटी, कुछ नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे सीआईए को, क्या कहना चाहेंगे एक हाई प्रोफाइल मैटर को जो है वो दिन रात मेहनत करके ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में ही आपको एक शुबे के अंदर वो लेके गए और आपको इज्जत के साथ उन्होंने वापस भेज दिया, क्या कहना चाहेंगे सीआईए के बारे में? मगर मैं वो यही बात कह रहा हूँ कि हमारी सीआईए है, इनको पता होना चाहिए यार कौन गलत है कौन सही है, इनका डेली का काम है। अब मेरा काम है खाने का, मुझे देख के पता चल जाना चाहिए यार खाना सही है कि गलत है, इसका टेस्ट है कि नहीं है। 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे मतलब आप कह रहे हैं उनकी फील्ड है उनको अंदाजा होना चाहिए था कि असल मुल्जिम कौन है, उनसे गलती हो गई, 2.5 घंटे तफ्तीश की आपका घर वाले, मेरी बीवी परेशान, बच्चे मेरे परेशान, घर में वो इधर उधर फिर रहे हैं, मेरे दोस्त परेशान, थानों में जा रहे हैं उधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कहाँ उठा रहे कोई कोई ठीक है। एंड पे जाके ये स्टाम पूरे इन्वेस्टिगेशन को होते हैं, उन्होंने कहा यार आप घबराओ ना ये होगा कोई एजेंसी वाले, आपके घर वाले इस्लामपुर इन्वेस्टिगेशन चले गए? मेरे दोस्त गए, दोस्त चले गए, उन्होंने बताया घर वाले तो मेरे गए इधर आए थे, दोस्तों ने घर भेज दिया कि बाजी आप घर जाओ हम कर लेते हैं सारे, कोई बात नहीं। वो उन्होंने कहा कि यार सीआईए है या कोई एजेंसी उठा के लेके दीजिए किसी शोबे में आ जाएंगे आप, ऐसा करो। उन्होंने पूछा कि भाई कितनी सीआईए लौट में, मेरी यही 6 होंगे, आप उधर जाओ उधर पता चल जाएगा आपको, तो आप शनाख्ती कार्ड उनका लो, तो
हॉस्पिटल पता करवा लो जाए। खैर उस वक्त तक मैं घर आ गया था, जब मेरे दोस्त जा रहे हैं ना शनाख्ती कार्ड लेने, तो मैं ही अंदर से निकला। उन्होंने कहा आ गए, मैं जी हाँ जी आ गया, छोड़ दिया। आपको भेजते हुए आखिरी बात क्या की उन्होंने? कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा जी बाबा जी जाओ आप, किसी चीज में कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये भी नहीं कहा आप जाओ। तो जब आने लगे ना तो मैंने कहा यार डिलीट तो कर दो, तो कल को आप फिर मुझे उठा लोगे, और ये आप साथ वाले कमरे में जाएं वहाँ अपना नाम पता लिखाएं, डिलीट हो जाएंगे। अच्छा कर दिया उन्होंने, क्लियर करके भेजा। क्योंकि नाजिन आज की जो ये स्टोरी है इसका मकसद ये है कि जावेद इकबाल के मर्डर में तस्नीम साहब को कृष्ण नगर के इलाके से गिरफ्तार किया गया। कैमरा मैन उस्मान अगर आपको दिखाए तो वो सामने जो है जावेद के कत्ल में जिस मुल्जिम को पकड़ा गया वो सामने यहाँ पे रोटी और छोटा सा होटल बना के गुज़िश्ता 25 साल से वो काम कर रहे हैं, और उसके बाद रेडियां लगी हुई हैं, तमाम रेडियो वाले इनके दोस्त हैं और मोहल्लेदार यहाँ पे जो थे वो भी बाहर आ गए इकट्ठे बैठ के। यहाँ पे अभी भी इस वक्त देख सकते हैं कि आप रात के पैर जो है यहाँ बैठे हैं, और बिल्कुल अगर इनके अंदर ऐसी बात होती तो शायद इस तरीके से ना बैठे होते। पुलिस अपने दिन रात कार्रवाइयों में तेजी तो ला रही है, लेकिन अब ये नहीं पता कि सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें कौन सा मुलजिम जो है वो सामने लाया जाएगा, क्या वो असल मुलजिम है या फिर तस्नीम की तरह का कोई बंदा है। ये तो अब CIA की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता लगेगा कि कल क्या होने जा रहा है, क्या जावेद भट्ट के असल काफिलों तक पुलिस पहुंच गई है। ये भी कल सारी चीजें सामने आएंगी। मिलता है नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।